बिहार में बाढ़ का ऐसा कहर जिसे सोचकर आपकी रूह कांप उठेगी। जहां कुछ दिन पहले तक पूरा का पूरा गांव सूखा पड़ा था, लेकिन अब वही गांव नदियों में तब्दील हो चुका है। अब वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और जो फंसे हैं वो किसी तरह अपने को वहां से निकालने की जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। जद्दोजहद भी ऐसा कि वहां नाव के अलावा कोई और वाहन नहीं जा सकता। वहां के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। यहां से खाना पीना तो जे छै जे मतलब खाइते पीते छिए आयला पै इतने दिक्कत छै कने पैन हेल के जाय छिए हेल के आबै छिए बाल बच्चा कर सकता। अभी तो पानी और बढ़े वाला छै। पानी अखनी तो शुरूए गेल के पानी जे छै से अभी 3 महीना पैन जे छै से एनाहिए रहते। आगे और परेशानी भए सकै छै अहाँ सब आगू परेशानियो भए सकै छै घर गिरी गिर सकैए। सरकार की तरफ से कोई मदद सरकार है तो आवे छै देखै ले जे ककर घर गिर ले आ ककर नहीं गिर ले। लोग किसी तरह निजी नाव का सहारा लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाव की कमी की वजह से अभी भी ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए हैं। सहरसा जिले में कोसी नदी का पानी कई गांव में घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। नवहट्टा प्रखंड के 7 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। कोसी का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर पानी चढ़ गया है, जिसकी वजह से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कोसी नदी में केली पंचायत में लेकिन नाव का कमी है, हम लोग को जाने आने में दिक्कत ये होता है। और धान पाँच जो सा खेत सब गल गुल गया और पलक जो के खेती पत्ती तो हम लोग को गया है। 2 बार बाढ़ आ चुका है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं यहाँ खोज कर ले आया है। अभी घर घर पानी है, हम लोग को बाल बच्चे मवेशी जो पानी में डूबा हुआ है। यह पानी आज थोड़ा कुछ कमा है फिर बढ़ने के चांस है, तो हम सरकार से निवेदन यही करते हम लोग को माल के चारा चाहिए। लोग अपने अपने वाहन की व्यवस्था कर ऊंचे जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके हाल जानने नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से यहां के लोग प्रशासन की लापरवाही से नाराज और चिंतित हैं। सहरसा के बाढ़ प्रभावित इलाके में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लोगों की माने तो पानी लगातार बढ़ रहा है और जिला प्रशासन की ओर से कोई सूचना भी नहीं दी जा रही है। क्या हालात हैं और कितनी पानी बढ़ेगा, इसको लेकर ज्यादातर लोग जो वहाँ पर इस हालात में फंसे हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। परेशानी आपको है, क्या दिक्कत है? घर काट रहा है परेशानी। अब क्या देखता, घर लूट लिया मुखिया सरपंच समिति, यहाँ मट्टी कहते कहते मर गया, नहीं मट्टी गिराया कहता चंदर होगा। देखिए घर काट रहा है, यहाँ का खेला देखिए, यहाँ कहला रहा लूट लहा रहा, यहाँ बना लिया लूट को घर द्वार, टका लूट लिया सरकार को, इसका के टकना रहा है। वीडियो सीओ सब घुसखोर हो गया है, सब लूटता है, पीसी लेता है। अरे हो गया, अरे पीसी लेता है। वही बाढ़ से परेशान मजबूर और लोगों की लाचारी की ये तस्वीर कटिहार से सामने आई है। दरअसल कटिहार जिले के बेलगाछी गांव में भीषण कटाव का तांडव देखने को मिल रहा है। महानंदा नदी अपनी रौद्र रूप ले रखी है। भारी बारिश के बाद लगातार महानंदा नदी उफान पर है। इस तरह से घटते बढ़ते जलस्तर से यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। आजमनगर अहमदाबाद प्रखंड के कई गांव जो तटबंध के अंदर बसे हुए हैं, गांव के चारों ओर महानंदा का पानी फैल गया है, जिसके बाद इलाकों में अब बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये कई एकड़ की जमीन और पेड़ पौधों को महानंदा नदी अपने आगोश में ले रही है। इस भयानक समस्या के दंश को झेलते आ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर हर वर्ष 100 से भी ज्यादा लोगों के आशियाने महानंदा और गंगा नदी मिल कर जाती है, लेकिन कटाव के नाम पर हर वर्ष बस थोड़ा बहुत कटावनी विरोधी कार्य किए जाते हैं, जो बस सरकारी पैसों का दुरुपयोग होता है। वहीं इस मामले में लखनपुर पंचायत के मुखिया श्वेता रॉय ने बेलगाछी गांव के कटाव समस्या की जानकारी
बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को पत्राचार के जरिए दी है और कटाव को जल्द से जल्द रोकने की मांग की है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक यहाँ के ग्रामीण अपने आशियाने को तोड़कर पलायन करते रहेंगे। बता दें कि नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद नेपाल में स्थित कोसी बराज के रविवार को 56 के 56 गेट खोल देने के बाद बिहार में कोसी नदी उफनाई हुई है और कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी बराज के सभी गेट खोल दिए जाने के बाद रविवार को 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घर कर चुका है। इससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसमें जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुर जैसे जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार के लिए परेशानी की बात ये है कि इस बार जुलाई महीने में ही कोसी नदी में जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 44 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। अब जुलाई के महीने में तकरीबन 4,00,000 क्यूसेक पानी कोसी बराज से छोड़ा गया है। कोसी नदी में जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में लगातार प्रशासन के तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों तक जल्द से जल्द पहुँचे। दूसरी तरफ उत्तर बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति और ज्यादा गंभीर बन गई है। नेपाल में काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जैसे शहर पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। काठमांडू की जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती दिखती थी, वहां अब सैलाब का बसेरा दिख रहा है। सैलानियों से गुलजार रहने वाला काठमांडू इन दिनों पानी पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार मुसीबत के आगे मानो नेपाल के कई जिलों ने सरेंडर कर दिया है। लगातार बारिश से ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रिहायशी इलाकों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश के बाद हुए हादसों और लैंडस्लाइड में अब तक करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।